Hello children. Uh, today I am going to discuss about the uh, new chapter that is the uh, wave optics. This is a very very important chapter for the class twelfth as well as for the board examination because uh, <coughs> around seven marks is a weightage for this chapter in board examination as well as around three marks is weightage in a uh, NEET as well as in IIT JEE mains uh, examination. Clear? So uh, before the starting of this video, kindly subscribe, like. शेयर एंड कमेंट ऑन दीडियो सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट वट इज ने फर्स्ट ऑफ ऑलउट दाइट लाइट का नेचर क्या होता नेचर ऑफ ऑप्टिक्स सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि लाइट किन किन नेचर्स को फॉलो करता है तो सबसे पहले अगर लाइट के नेचर की हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ न्यूटन कॉपोस्कुलर थ्योरी न्यूटन ने क्या कहा ध्यान सुनिएगा न्यूटन ने कहा कि लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नोन एज कॉपस्कुलर उसको क्या बोलते हैं हम कॉपस्कुलर डिफरेंट कलर्स कॉपस्कुलर है डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट यू कैन से वेवलेंथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज वेन यू आर सींग एनी ऑब्जेक्ट अगर सपोज को हम रेड कलर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इसका मतलब है कि रेड कलर के कॉपस्कुलर हमारी आंखों पर टकरा रहे हैं इसलिए हमें वो क्या दिखाई दे रहा है रेड कलर का दिखाई दे रहा है क्लियर है तो इन्होंने एक कॉपस्कुलर थ्योरी दिया और कहा कि लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है कैसे होता है पार्टिकल लेकिन ये इन्होंने एक्सप्लानेशन दिया रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन का ठीक है इन सब का एक्सप्लानशन दिया बट जो इनका एक्सप्लेशन था वो अप्रोप्रिएट नहीं था इसलिए फेल हो गया क्या अप्रोप्रिएट नहीं था थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एज पर द न्यूट कॉपकुलर थ्यूरी सपोज करो ये आपका सर्फेस है ठीक है जब लाइट पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं एज पर द न्यूटन्सोस्कुलर थ्यूरी तो एक सर्टन बाउंड्री के बाद क्लियर है ये लाइट रिफ्लेक्शन फील करने लगता है और ऐसे ये बेंड होने लगता है क्लियर है तो जहां से रिफ्लेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है ये बाउंड्री यहां से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर लेता है और अपने पाथ को इस तरह कर्व करता है मतलब इसका मतलब क्या डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर रहा है ये कर्व पाथ में बेंड हो रहा है जबकि ऐसा नहीं होता क्लियर है तो ये एक गलत इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया रिफ्लेक्शन का दूसरा इन्होंने कहा कि वेन लाइट इज अ पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रिफ्लेक्शन एक केस बताया वेन लाइट इज अ पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ठीक है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इसकी स्पीड क्या होती है इंक्रीज कर जाती है रेयर से डेंसर जाता है तो जबकि इसका उल्टा पाया गया लाइट इज ट्रवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट स्पीड एंड द नॉर्मल तो अल्टीमेटली एंडर्ड थ्योरी क्या रहा फेलियर लेकिन यहां से एक डायरेक्शन मिला कि लाइट है पार्टिकल नेचर दूसरा आपका आता है वेब थ्योरी वेब थ्यूरी किसे बताया हाइजेंस ने डिस्क्राइब किया वेब थ्योरी तो वेब थ्योरी के बेसिस पे हाइजेंस ने यहां पे लाइट के आ, कौन कौन से नेचर डिस्क्राइब किया सबसे पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया लाइट के रिफ्लेक्शन नेचर को जो कि इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन और तीसरा डिस्क्राइब किया इंटरफ्रेंस और चौथा डिस्क्राइब किया इन्होंने इंटरफ्रेंस नेक्स्ट इज योर इंटरफ्रेंस डिफ्रेक्शन लेकिन इन्होंने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने क्या माना था लाइट का जो नेचर था वेव नेचर वो होता है लॉन्गिट्यूडल नेचर होता है जबकि लाइट का जो नेचर था ट्रांसवर्स इन नेचर होता है क्लियर है तभी हम प्रोडाइसन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं तो अल्टीमेटली हाइजेंस ने

थ्रो इन एयर ठीक है ही प्रपोज दैट द लाइट वेब प्रोपेटेड थ्रू एन प्रीवेडिंगल मीडियम दैट इज कॉल दया किया मान के चले कि जो लाइट वेब होती है वो एक ईथर मीडियम में ट्रेवल कर रही है ईथर क्यों लिया क्योंकि ईथर इन्होंने, इन्होंने एज्यूम क्यों किया चूंकि ईथर की डेंसिटी कम होती है और ईथर की डेंसिटी वेरी नहीं करती विद द वेरिएशन ऑफ द फिजिकल पैरामीटर तो इन्होंने क्या किया ईथर okay. मतलब मीडियम को क्या किया एज्यूम किया सेलेक्ट किया क्लियर है ओके एंड लेटर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सच मीडियम वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू दी कंट्रोडिक्टरी प्रॉपर्टीज मतलब बाद में इस चीज को क्या किया डिस्कार्ड किया गया कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से क्लियर है तो अल्टीमेटली ये दिस इज सक्सेसफुल एक्सप्लेन बाई द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एज वेल एज इंटरफरेंस रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ द लाइट बट पोलराइजेशन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने क्या माना था लाइट है nature. तो लाइट का नेचर क्या है पहला पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब किया न्यूटन ने डिस्क्राइब किया वेव नेचर किसने डिस्क्राइब किया हाइजीन ने डिस्क्राइब किया जिसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा जो होता है लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है ठीक है इसको मैक्सवेल ने डिस्क्राइब किया Clear है कि लाइट का जो नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती तो मैक्सवेल सजेस्टेड लाइट प्रोपोगेटेड इन इलेक्ट्रिक एंड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन मतलब जो लाइट प्रोपोगेट कर रहा है इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन की वजह से ट्रबल करते हैं क्लियर है एंड दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इस वेव क्या बोलते हैं हम लोग वेव विच रिक्वायर्ड नो मीडियम फॉर दिस प्रोपोजेशन और इस चैप्टर को आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ रखा है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस नेचर का होता है दैट इज इन ट्रांसवर्स नेचर क्लियर है उसके बाद की जो स्टोरी है प्लांग्स आते हैं प्लांग्स बताते हैं क्वांटम थ्योरी अपनी देते हैं और कहते हैं कि लाइट अगेन पार्टिकल नेचर का होता है क्योंकि लाइट एक फोटोन्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है पैकेट्स के फॉर्मे ट्रेवल करता है जिसका उन्होंने नाम क्या दिया फोटो नाम दिया क्लियर है तो अल्टीमेटली ये कन्फ्यूजन कंट्रोडिक्ट्री कन्फ्यूजन बना रहा कि कभी कोई लाइट का पार्टिकल नेचर बोल रहा है कभी लाइट का वेव नेचर बोल रहा है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया कि ये पार्टिकल नेचर होता है एज वेल एज वेव नेचर होता है तो डी ब्रॉगली ने इस कंट्रोडिक्ट्री को सॉल्व करते हुए कहा कि लाइट हैव टू नेचर दैट इज कॉल्ड द ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल लाइट के ड्यूअल नेचर होता है पार्टिकल नेचर वेल नेचर तो जो आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स तो उस चैप्टर का बैकग्राउंड यहीं से क्रिएट होता है, कि कैसे बन रहा है।, है? तो थ्योरी क्या कहता है देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल प्लांस लाइट द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटॉन्स क्लियर है एंड टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसी थ्योरी के बेसिस पे आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया तो इसका मतलब प्लांक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है ये क्वांटिटी या कि पार्टिकल नेचर होता है क्लियर है लेकिन हुआ क्या कि वी सी दैट द फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन लाइट वी एज अ वेब वाइल्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट वी एज लाइक पार्टिकल ठीक है मतलब अल्टीमेटली क्या है कि इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन ये बताता है लाइट का वेव नेचर है जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करता है इसका पार्टिकल नेचर है तो ये कन्फ्यूजन बना रहा तो डी बॉगलीज आते हैं बोलते हैं भाई ऐसा है लाइट के दोनों नेचर होते हैं पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है सो तो इसको बोला गया ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स तो ये अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स तो लाइट का नेचर बिहेवियर आप थिंक आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले न्यूटन्स कॉपोस्कुलर थ्योरी आई फिर आपका हाइजेंस थ्योरी आई हाइजेंस प्रिंसिपल आया हाइजेंस प्रिंसिपल के बाद आपका मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल आया फिर आपका प्लांग्स क्वांटम थ्योरी का आया फिर उसके बाद डी रिब्लॉगली बताते हैं हैव बोथ नेचर 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 एज एज वेल पार्टिकल अब आते हैं दूसरे पार्ट पे हम ध्यान सुनिएगा नेक्स्ट पार्ट वेव नेचर समझने से पहले हम समझेंगे वेव फ्रंट क्या क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़े जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ लाइट लाइट वेव इसे आप कहते हो क्लियर है तो इसको समझने से पहले आ, मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा कि वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट कैसे क्योंकि ट्रेवल करते हैं तो क्योंकि हाईजेंस बोलते हैं लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रेंट अकॉर्डिंग टू हाईजेंस प्रिंसिपल लाइट जो है किस फॉर्म ट्रेवल करता है वेव फ्रंट के फॉर्म में करता है तो ध्यान से देखिए वेव फ्रंट क्या होता है सपोज अ स्टोन इज थ्रोन इन द सर्फेस ऑफ स्टिल वाटर अगर हम मान लें पानी रुका हुआ है एक पत्थर को फेंके ठीक है तो क्या देखते हो आप सर्कुलेटरी पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ बींग टू बी स्प्रेड आउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट मतलब जहां

फिर फ्रंट क्या है वे फ्रेंड समझने की कोशिश करना आपने क्या किया वाटर में पत्थर मारा तो आप देखो ऐसे वेव बनस हो जाता है क्लियर है आई बात समझ में इस तरह का एक वेव बनस हो जाता है ये जो वेव बन रहा ना इसे बोलते वे हैं वेव फ्रंट ये होता है वेव फ्रंट क्लियर है दिस इज दिस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट की खासियत ये होती है जितने भी पार्टिकल्स इस ट्रफ या क्रस्ट के ऊपर होते हैं दे आर ऑसोलेटिंग इन द सेम फेज सभी क्या होते हैं एक ही फेज में ऑसलेट करते हैं तो वेब फ्रंट होता क्या है दिस इज इज इमेजरी एट ऑल द आर इन सेम फेज दैट कॉल्ड वेब फ्रंट आई बात समझ में आई थिंक समझ में आ गया होगा तो क्या है ध्यान सुनिएगा द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट ऑसलेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड कॉल वेव फ्रंट दिस दस एवरी क्रस्ट एंड ट्रफ

इसका तो क्या है? को करता है। लेकिन अगर आपका लाइट सोर्स एक, हो, एक जला दिया तो उसका वेव फ्रंट एक स्फेरिकल बनाता है चारों तरफ एक स्पीय के फॉर्म में स्प्रेड होता है क्लियर है तो अगर लाइट सोर्स कैसा हो पॉइंट सोर्स हो कैसा हो पॉइंट सोर्स हो तो फ्रंट कैसा होता है स्फेरिकल होता है क्लियर है और अगर लाइन सोर्स हो आ, अगर आपका लाइट सोर्स क्या हो एक लाइन में हो, तो तो बोलते हैं तो अल्टीमेटली वेव फ्रंट कई तरह से क्लासीफाई किए गए हैं तो स्टार्ट करते हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दैट फर्स्ट हैव टू नो डिफाइन करते हैं कैसे द वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ ऑल द सच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट मतलब अगर वेब फ्रंट एक ऐसा आ, लोकस होता है पार्टिकल्स का जहां पे सभी पार्टिकल्स का एक ही फेज में ऑसिलेट करते हैं वाइब्रेट करते हैं ठीक है दस वेब फ्रंट इज अ सर्फेस ऑफ कॉन्स्टेंट फेज वेब फ्रंट क्या होता है कॉन्स्टेंट फेज का सर्फेस होता है क्लियर है एंड द स्पीड विद विच द वे फ्रंट मूव आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड दीड क्लियर है अब आते हैं हम लोग कितने टाइप के हो सकते हैं इसको डिस्कस करते हैं नंबर वन स्पेरिकल वेव फ्रंट स्पेरिकल होता है जब लाइट सोर्स कैसा हो पॉइंट सोर्स हो क्लियर है दैट इज कॉल्ड द स्पेरिकल वेव फ्रंट ठीक है इन द केस ऑफ द वेव ट्रेवलिंग इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट सोर्स द वेव फ्रंट आर स्फेरिकल इन द सेप अगर आपका uh, सोर्स जो है एक पॉइंट सोर्स हो तो जो वेव uh, फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा क्लियर है आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एस इज इज अ पॉइंट सोर्स और उसके चारों तरफ तो हमें वेव फ्रंट डिजाइन किया है एट इज स्टेरिकल वेव फ्रंट क्लियर है एंड रेज इज ट्रेवलिंग इन प्रपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट वेव फ्रंट के प्रपेंडिकुलर डायरेक्शन में रे क्या होता है ट्रेवल करता है क्लियर है दूसरा आते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं वेव वे सिलेंड्रिकल कब होगा जब आपका सोर्स कैसा हो लाइन सोर्स हो क्लियर है स्प्रेड तो करेगा तो दस कॉल दिलेंडिकल वेफ फ्रंट क्लियर है दिस इज बिकॉज ऑफ लोकस ऑफ सच पॉइंट विच इज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर सोर्स विल बी सिलेंड्रिकल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइन है आपका सपोज करो ये लाइन सोर्स है तो यहां से जो डिस्टेंस होगा इस चारों तरफ सेम होगा आर डिस्टेंस पे तो सारे पार्टिकल सेम फेज में ऑसलाइट करेंगे तो अल्टीमेटली अगर लाइट सोर्स आपका लाइन हो तो उस केस में फ्रंट कैसा बनता है सिलेंड्रिकल बनता है इसके अलावा अगर आपका लाइन सोर्स क्या हो इन्फोनाइट से आ रहा हो कहा से आ रहा हो इन्फाइट से आ रहा हो क्लियर है तो उस केस में वे फ्रंट लार्जर डिस्टेंस से आ रहा हो तो उस केस में वे फ्रंट कैसा बनता है एक प्लेन वेव फ्रंट डिजाइन होता है दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि हाउ मनी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट इज डिजाइंड तो वेव फ्रंट बेसिकली हम कह सकते हैं वैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अभी आगे हम आप पढ़ाएंगे कि लेंस का वेव फ्रंट कैसे बनेगा प्रिज्म का वेव फ्रंट कैसे बनेगा दैट इज डिफरेंट केस लेकिन जो बेसिकली वेव फ्रंट को हम आ, समझने की कोशिश करें अगर तो वेव फ्रंट अगर लाइट सोर्स आपका इन्फोनाइट्स आ रहा हो लार्जर डिस्टेंस आ रहा हो तो वेव फ्रंट प्लेन बनेगा

चलिए अगर मैं बात करूं इसके आगे कहानी एज वी नो क्या कह सकते हैं रेज आर ऑलवेज प्रपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट रेज जितने भी ट्रेवल करते हैं वो हमेशा करते है? wavefront के करते हैं हैं वेव फ्रंट के पहला पॉइंट एंड द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज अ सेम अलॉन्ग एनी रे मतलब अगर सपोज करो ये यह वेव फ्रंट है और ये दूसरा वेव फ्रंट है यहां से यहां जाने में मतलब इस फर्स्ट से सेकंड पे जाने में कहीं से भी ले लो आप टाइम क्या होगा सेम ट्रेवल करेंगे तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में किसी भी जगह से आप अगर डायरेक्शन टाइम लेंगे तो सभी टाइम क्या होते हैं सेम होते हैं क्लियर है अब देखिए यह आपके सामने वेव फ्रंट बना हुआ है अगर लाइट क्या हो इन्फिनिटी से आ रहा है लार्जर डिस्टेंस से तो वेव फ्रंट क्या होगा इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट बनेगा अगर एक पॉइंट सोर्स से आ रहा हो तो कैसा बनेगा पॉइंट सोर्स की तरफ आ रहा हो तो कन्वर्जिंग होगा पॉइंट से दूर जा रहा हो तो डाइवर्जिंग बनेगा अल्टीमेटली स्फेरिकल बनेगा क्लियर है तो ये आप लेंस के केस में कह सकते हैं आप आगे ठीक है अब आते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपका वेव फ्रंट क्या है समझ में आ गया वेव फ्रंट इज इमेजरी सरफेस एट विच

वेव फ्रंट पे पार्टिकल्स होते हैं आने वाले वेव फ्रंट के लिए सारे के सारे एज अ सोर्स तरह एक्ट करते हैं जिसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स से बोलते हैं ध्यान सुनिएगा इसको कहानी समझने की कोशिश करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज प्रिंसिपल क्लियर है तो हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे वी कैन से ठीक है लाइट प्रोपोगेटेड फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट थ्रू द मीडियम क्लियर है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव

ओरिजिनल सोर्स है उससे मतलब नहीं है दूसरे वेव फ्रंट को पहले वेव फ्रंट से मतलब है जैसे अभी होता है एक लाइन में दस बच्चे खड़े हो मैंने एक बॉल दिया दूसरे को दूसरे ने दिया तीसरे को तीसरे ने दिया चौथे को तो चौथे को जो बॉल मिल रहा है किसी वजह से मिल रहा है तीसरे वजह से मिल रहा है तीसरे को बॉल मिल रहा है किस वजह से दूसरे वजह से मिल रहा है भाई वो तो दूसरे को जानता है ना उसे चौथे से क्या मतलब है या पहले से क्या मतलब है तो ठीक भाई कहानी यहां पे है कि वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं आने वाले वेव फ्रंट के लिए वो सोर्स तरह काम करते हैं पहला पॉइंट क्लियर हुआ दूसरा द सेकेंडरी वेबलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंडरी क्या होता है वही जो पार्टिकल्स सोर्स पर काम कर रहा है वेव फ्रंट पे उसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी वेबलेट्स बोलते हैं वो सेकेंडरी वेबलेट्स ठीक है सभी डायरेक्शन में ठीक है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है स्प्रेड होता है फैलता है आई बात समझ में तो द सेकेंडरी स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन वेबलेट्स स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम किसी पर्टिकुलर मीडियम में सेकेंडरी होता है तो पहला क्या था ईच पॉइंट ऑन एक्ट सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस विच इज कॉल्ड से उसको हम लोग और सेकेंडरी वेवलेट्स जो होता है सभी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तीसरा पॉइंट अ न्यू फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवेन बाई द फॉरवर्ड एनवलप मतलब जो न्यू फ्रंट होता है लेटर टाइम मतलब क्या है देखा है है क्या होता है? किसी फाइल को किसी भी पेपर को के अंदर रखते हो लेटर को envelope के अंदर रखते हो एक, का का एक खोल का काम करता है तो वही कहानी यहां पे है जो जो न्यू वेट है न्यू वेव फ्रंट एट एनी ओके लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप इसका मतलब क्या है ध्यान सुनिएगा ये एक डायग्राम आपको दिखाते हैं हम लोग उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको क्लियर है जस्ट yes, सेकंड yeah. इस डायग्राम देखिए ये है आपका ए बी वेव फ्रंट है तो जो ए बी वेव फ्रंट है जो सी डी है सी डी ए बी के लिए क्या कर रहा है एनवल का काम कर रहा है सी डी जो है ए बी के लिए क्या काम कर रहा है एनवल्प का काम कर रहा है बस तो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है सेकेंडरी वेवलेट्स है नया सोर्स उसके लिए क्या काम कर रहा है एक एनवलप का काम कर रहा है यही आपका हाइजेंस का जमशन से क्लियर है अब आते हैं हम लोग हाइजेंस का प्रिंसिपल देख लिया आपने अब आते हैं हाइजेंस कंस्ट्रेंट ठीक है ये सब कहानी आपको डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा कंसिडर अ स्फेरिकल ठीक है जब ऑन अ प्लेन वेव फ्रंट मूव टूवर्ड्स द राइट लेट ए बी बी द पोजिशन ऑफ द एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो भी डायग्राम में दिखाया ए भी हमने क्या बोले एक टाइम है एक पोजीशन है द रीजन ऑन दिस लेफ्ट हैज रिसीव द वेब्स वाइल रीजन ऑन द राइट इज अनडिस्ट्री मतलब क्या है जो ए बी है उसने क्या किया ध्यान देखिएगा ए बी एक वेब फ्रंट है जो कहाँ से रिसीव कर रहा है ई e और एफ से रिसीव कर रहा है एनर्जी और जो सी और डी है अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है इसे कोई लेना नहीं अभी लेकिन सी और डी के लिए ए पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं एज ए सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं क्लियर है सेम इस वाले ये कैसे है स्पेरिकल के लिए है और ये लीनियर वेव फ्रंट के लिए है अगला स्टेटमेंट सुनते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन ए बी बिकम्स अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस मतलब जो सी डी पे डिस्टर्बेंस होना है तो ए बी पे जितने पार्टिकल्स हैं वो सोर्स कनेक्ट करते हैं ठीक है विच ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट जो कि स्पीड ऑफ लाइट से क्या है ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है थीके? इसका मतलब क्या है टू फाइंड द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी वी ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ कितना डिस्टेंस चला है सी इन टू टी तो रेडियस क्या होगा R c into t से आप क्या करोगे ए पे जो ए पॉइंट आपने लिया था सर्कल ड्रॉ करोगे तो इसका जो टेंजेंट होगा वो नए वेव फ्रंट को क्या करेगा बताएगा इसका मतलब जो ए बी के बाद अगर आपको दूसरा वेव फ्रंट चाहिए तो कितने टाइम बाद वे फ्रंट चाहिए स्पीड सीस चल रहा है टाइम टी चल रहा है तो जो डिस्टेंस चल रहा है उसी रेडियस का आपने क्या किया एक एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे तो जो सर्कल आप ड्रॉ करेंगे उसका टेंजेंट जो है वो सी डी नए वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर है आते हैं अगला द फॉरवर्ड एनवलप आर द टेंजेंशियल सर्फेस सी डी ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट्स गिव न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी

आई बात समझ समझ में में, कोई में, आपको आ गया होगा कि है है, है? है है, है. है? क्या, क्या क्या और आता नहीं होता है? हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है ये ट्रेवल नहीं करता क्लियर है ओके नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेव थ्योरी अब जो वेब हाइजेंस प्रिंसिपल ने बताया है कि लाइट किस फॉर्म ट्रेवल करती है फ्रंट के फॉर्म में करती है, तो इसी अल्टीमेटली हाइजेंस प्रिंसिपल कैसे एक्सप्लेन किया गया है आपको वेव के में कर दिया. अब हाइजेंस थ्योरी के बेसिस पे नाउ एम गोइंग टू एक्सप्लेन वॉट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर है ध्यान से सुनिएगा फिर हम आएंगे अपने स्लाइड पे क्लियर है सपोज दैट दिस इज द सर्फेस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्लियर है दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट ये इंसिडेंट हो गया क्लियर है लाइट इंसिडेंट हुआ अब आपने देखा यहां से आप एक नॉर्मल डॉकेट जिसपे दिस इज अ नॉर्मल और वेव फ्रंट है तो मैं थोड़ा सा एक कलर चेंज कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा एक सेकेंड थोड़ी थिकनेस का हमने क्या किया वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है एक इंफिनेटीस सार है तो एक प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा अगर मैं मान लूं ये ओ ए है और ये ओ डेस बी है तो ए बी क्या है एक वेव फ्रंट है ए बी क्या है ए बी इज योर वेव फ्रंट कोई वे डाउट इसमें ओके okay. जब ओ ए इस सरफेस पे ए पे पहुंच गया है तो उस समय ओ डे बी में अब लाइट क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा रिफ्लेक्ट तो एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया ओके okay. लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो उस केस में जब बी पहुंचेगा सी तक लाइट कहां पहुंच चुका होगा सी से आप एक प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करिए सी से क्या करिए आप एक प्रपेंडिकुलर मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं ये सॉरी आई अ डिफरेंट कलर ओके सी से आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जब तक बी सी बी टू सी वी इंटू टी चला है डिस्टेंस वेलोसिटी का स्पीड लाइट की वी हो इस मीडियम में तो वी इंटू टी चलेगा उस टाइम ये भी क्या होगा वी इंटू टी चलेगा क्यों क्योंकि दोनों मीडियम क्या है सेम है दोनों मीडियम क्या है सेम है तो अगर मैं कहूं ये पॉइंट आपका d है दिस इज योर d पॉइंट तो ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी की हम बात कर ले तो आप क्या देख रहे हो ए सी दोनों में है एसी इज अ कॉमन ए सी क्या है कॉमन है और आप देख रहे हो ए डी इज इक्वल टू बी सी क्यों क्योंकि इंटू टी है वी इंटू टी है आई बात समझ में तीसरा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है ए बी सी कॉन्ग्रेंट है आपस में ट्राइंगल ए डी सी इसका मतलब ए बी सी के बाकी एंगल बाकी यार में क्या होंगे इक्वल होंगे ये कहानी आपको समझ में आ गई अब आते हैं अगली बात पे दिस इक्वेशन नंबर वन इसे कर दो आप दोनों इक्वल है अब बाकी एंगल बाकी कहानी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा सा क्लियर है क्योंकि इस डायग्राम में थोड़ा उतना क्लियरली नहीं आपको दिखेगा तो हम इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं इस पार्ट को समझने की कोशिश करना आप क्लियर है दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए अब कॉन्ग्रेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे है क्या है इतिहास देखिएगा सम पार्ट आई एम गोइंग टू इरेज इन दैट क्लियर है आपको जरूरत थोड़ी आप रिमाइंड करके दोबारा आप देख सकते हैं इसको क्लियर है चलिए हमने क्या किया यहां से हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया था इसके ऊपर ये एंगल आई है यस है नो और ये एंगल जो रेड तक है ये आर है अब देखिए ये अगर आई है ओ ए अगर मैं कहूं ये आपका एन एन एस है क्लियर है ओ ए एन इज योर आई लेकिन एन ए सी इज नाइन्टी या आप कहते तो ओ ए बी इज योर नाइनटी तो इसका मतलब यहां से लेके बी तक का एंगल क्या होगा नाइनटी माइनस आर एंड यू नो दैट एन ए सी इज ऑल्सो नाइन्टी तो यह क्या हो जाएगा आई हो जाएगा yes no? यस एनो आई हो गया ना सिमिलरली अगर ये एन ए डी एन ए डी इज योर आर यस ए नो और आग पता है एन ए सी एन ए सी इज योर नाइनटी डिग्री तो बचा क्या डी ए सी डी ए सी र और यहां ए डी सी नाइनटी है तो डी सी इज योर आर डी सी इज योर आर ये तो डी सी इज योर आर क्लियर है अगर डी सी ए आर है तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं सो यू कैन से एंगल डी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी तो डी सी ए क्या है एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन का ही लॉ है इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाई ऑन दिस सेम प्लेन पहला पॉइंट दूसरा एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर ठीक है इसको थोड़ा सा और क्लियर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग क्योंकि मुझे लगता है कि हौच पौच हो गया ऐसे देखो ये लाइट आ रही थी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ नॉर्मल ऐसे गई दूसरी लाइट साथ में ऐसे आ रही थी ठीक है तो वेव फ्रंट के हिसाब से मैं बात करूं तो वेव फ्रंट आपका ये वेव फ्रंट हो गया दोनों नॉर्मल है हैं योर वेव फ्रंट अगर ये ए बी है अगर सी से हम नॉर्मल ड्रा कर दें इसके ऊपर ठीक है सी से अगर हम नॉर्मल ड्रा कर दें सी से नॉर्मल ड्रा करने मतलब क्या हुआ ये लाइन सी से इस पर नॉर्मल ड्रा कर दो ये डी पॉइंट मिल गया क्लियर है तो डी पॉइंट ए डी की वैल्यू ए डी इज इक्वल टू बी सी ये सी है आपका इज इक्वल टू वी इन टी होगा बताई दिया आप मैंने अगर ये एंगल आई है ये एंगल आर है तो आप पता है कि यहां से यहां तक नाइन्टी माइनस आई होगा तो ये बचा आई इसका उल्टा ये होगा नाइन्टी माइनस आर यह इधर नाइनटी है तो ये बचा आर आपका क्लियर है तो देखो एंगल ए बी ए सी एंगल डी सी एज योर आर अब दो एंगल कर दिया तो आई इज इक्वल टू आर तो हॉज नहीं करना समझने की कोशिश करना कि अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया और आपको दिख रहा है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन सो हेंस प्रूव इट की एज पर देब थ्योरी यू कैन से दैट

बोथ द वेव फ्रंट एंड द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बींग प्रपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर तो आप देख रहे हो आई आपका यार है इंसिडेंट रेस और यहां ये इंसिडेंट हो रहा है ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गया और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गया जब एस बी इस पॉइंट पहुंचा है तो उस समय क्या होता है ए यहाँ पे है और एस बी जब आगे बढ़ेगा तो ए टू सी जब तक ये पहुंचेगा तब तक ये आगे बढ़ चुका होगा ना ये yes चलो no? तो उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ

A reaches the point C and secondary wavelets from B must be spread over the hemispherical radius with the speed of C T. Clear है? तब हमने क्या किया? दो triangle ले लिया वही A B C and D C B दोनों angle क्या है? 90 degree है और B C is equal to A C जो कि common है, ठीक है? तीसरा A C is equal to B D तो क्योंकि दोनों क्या है? C T या V T हमने लिया था। दोनों triangle क्या हो गए? Congruent. अब दोनों congruent हो गए तो I is equal to R हो गया। तो इससे हमने क्या किया रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया क्लियर है नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो आइए हम समझते हैं कि हाउ वी कैन प्रूव द रिफ्लेक्शन क्लियर है चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करना आप लोग पहले क्लियर है देन वी हैव टू टॉक अबाउट दी अदर पार्ट क्लियर है सपोज दैट लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम ये लाइट है इट्स इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस ये इस पर इंसिडेंट हुआ क्लियर है और लाइट है सपोज करो एस uh, सोर्स है तो एस के ही लिखते हैं कोई इश्यू नहीं ये ए पहुंचता है उस टाइम वेव फ्रंट आपका कहां पे है इट इज हियर इस बी पॉइंट पे यहां पे है क्लियर है इसका मतलब का एक एंड ए पे टच कर रहा है दूसरा एंड कहां बी पे है पहले मीडियम अगर स्पीड ऑफ लाइट वी वन है टाइम टी के बाद अगर ये टी टाइम बाद यहां टच करता है V1 t टच करता है यहां तक उस टाइम ये दूसरी जो लाइट हमारी है वो है तो ये बेंड होके इधर चला ये बेंड होके ऐसे बेंड होकर इधर आ जाएगा क्लियर है तो अगर इस वाले मीडियम में स्पीड वी टू इंटू टी हो वी टू इंटू टी हो तो वी टू इंटू टी का अगर मैं आर्क लगाऊं तो यहाँ कहीं आएगा और ये या इसका कर सकते हो यहाँ से प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे क्लियर है अगर सपोज करो ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है ये पॉइंट डी हो गया ये नाइन्टी डिग्री है तो अगर ये आई है यहाँ देखिएगा तो ये नाइन्टी माइनस आई तो ये भी आई हो जाएगा अगर ये एंगल आपका आर है दिस एंगल इज आर क्लियर है तो ये एंगल भी आ ही होगा कि देखो ये वाला नाइन्टी माइनस आर हो जाएगा ये 90 है तो दिस वन इज 90 माइनस दिस वन इज आर तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी में देखिए अपॉन प्रपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो ए बी सी में प्रपेंडिकुलर क्या है आई के लिए बी सी प्रपेंडिकुलर अपॉन ए सी बी सी क्या है वी वन इंटू टी अपॉन ए सी इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली साइन आर क्या होगा ध्यान आर क्या होगा साइन आर साइन आर फ्रॉम ए डी सी टू प्रपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ए डी प्रॉनपिटोन ए डी अपॉन ए सी एडीज योर बी टीन टू टी अपॉन ए सी क्लियर है इक्वेशन नंबर टू अब क्या करिए साइन आई अपॉन साइन आर करिए साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल वी वी वन टी टी टू चूंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचा क्या वी वन अपॉन वी टू इक्वेशन नंबर वन अब बात करते हैं फॉर फर्स्ट मीडियम एन वन इज इक्वल टू सी अपॉन वी वन होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड एन टू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी टू यू

तो एक ही प्लेन पे है ही और साथ साथ में दूसरा आप बोलते हो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया इसका मतलब क्या है ऑन द बेसिस ऑफ हाई प्रिंसिपल वी कैन जस्टिफाई रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन आई बात समझ में आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको किसी कोई डाउट है तो ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच वी विल वीट नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट पार्ट थैंक यू सो मच